तो आज मैं आया हूँ जिंदल चौक से आगे का जो एरिया है, मुझे दिखी ये रेडी, और रेडी देखकर मुझे लगा यार इस जगह पर तो मैं कभी भी नहीं आया। अंकल जी से जानते हैं कि कैसे उन्होंने इस काम की शुरुआत करी, कब से कर रहे हैं सब। अंकल जी की ज़िंदगी के बारे में थोड़ा जानते हैं। आपको पता है कि मैं नई नई जगह पर आपके लिए खोज करके लेके आता हूँ, और एक आम आदमी की ज़िंदगी की क्या स्ट्रगल होती है, क्या स्टोरी होती है, वो भी आपको दिखाता हूँ। एक बार गले मिल लीजिए। अरे नहीं जी, आप हमेशा अपने साथ ही रहोगे। नमस्ते अंकल जी, क्या हाल चाल? नमस्ते। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा आपसे आपका नाम। मेरा राजू। राजू, तो राजू दा ढाबा नाम से आपकी ये रेडी आपने लगाई है। हाँ हाँ जी। तो मैं थोड़ा सा आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहूँगा कि आपने कब से ये रेडी लगाई, या क्या ज़िंदगी में क्या काम कर, जैसे 50 साल की उम्र है, पढ़े लिखे हो सर आप? नहीं, बिल्कुल अनपढ़ आदमी। अच्छा, बिल्कुल अनपढ़। मतलब हाँ। कितनी एज से आपने काम करना शुरू किया? काम तो मैंने छोटे में ही किया था, लगभग उस टाइम में बहुत छोटा था, रोया करता था। अच्छा, हाँ, कोठी में काम किया था। कोठी में? हाँ जी, जैसे दिल्ली से चंडीगढ़ ले गए, चंडीगढ़ में 6-7 महीने काम किया है। अच्छा जी। वहाँ सीखे करता था, फिर उसके बाद अपना हिसार में आ गया। अच्छा जी। हिसार में आप आए तो आपने क्या क्या काम किया हिसार में आ गए? मैंने हिसार में चाय की खोखे में काम किया है। नौकरी करी? हाँ जी। अच्छा जी। और उस टाइम हमारे को 200-250 रुपये मिले करते थे महीने के। अच्छा जी। अच्छा, उसके बाद हरी मैंने शुरुआत करा अपना, एक कोठी में रह करता था, कोठी से उनको ऐसे वकील था। अच्छा जी। मैं बचपन से उनके पास रहा हूँ काफ़ी साल से। तो कैसा चल रहा है यहाँ पे काम धाम, गुजारा कैसा चल रहा है? गुजारा चल रहा है भाई, कदे अच्छा से ले कदे कम है। अच्छा, बस वही है, 1000-1200 रुपया का। चलो ठीक है, नौकरी से तो बढ़िया है। हाँ, दूसरे थोड़ा अभी आपने जैसे 50 साल के हो चुके हो, इतनी जगह पे नौकरियाँ की, ठीक है ना, सेठ तो सेठ होता है, उसने जो काम बोल दिया वो करना पड़ेगा। अभी खुद का काम करके आपको कैसा अच्छा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा है, दूसरे की गुलामी नहीं करना पड़ रहा है। क्या अपनी बात है? अपना काम अपना है। सही बात है। चाहे उसमें 200 रुपया बचो, चाहे 50 बचो, चाहे 100 बचो। अच्छा, लेकिन अपने मन शांति रखना चाहिए। मतलब 50 साल की उम्र में आके आपको जो सेटिस्फेक्शन मिली है वो आज मिली है? हाँ जी। जो अब एक होता है ना, एक संतोष मिलना, वो आज मिला आपको? अब मिला है मेरे को। क्या बात है। हाँ जी। तो आपके साथ कोई काम करता है यहाँ पर? मेरा बड़े वाला लड़का है। अच्छा। और हम दो ही रहते हैं यहाँ पर। दो ही लोग काम करते हैं। हाँ जी। ठीक है। तो बहुत अच्छी सुगंध आ रही है आपकी ये कड़ी की। अभी तो इसमें वो बेगी मिर्च डालेंगे ना। अच्छा जी। वो अच्छे उसे और अच्छा लगेगा। मतलब मैं ढाबे वगैरह पे कड़ी वगैरह खाता हूँ ना, ये कलर जो है, यू नो, एक लस्सी लाते हैं ना गांव से, लस्सी लाते हैं, गांव की लस्सी है। अच्छा, बिल्कुल प्योर है। तभी मैं कहूँ ये कलर तो है गाँव वाली लस्सी वाला। तो ये रेडी पे ज्यादातर नहीं मिलता हमें ढाबों पे या वगैरह पे। ये बहुत यहाँ अच्छा चलता है। अच्छा जी। ये बिना फ्राई के लोग खाते हैं। अच्छा। मैं फ्राई नहीं करता हूँ इसको। ओके। इसको 1-2 घंटे पका लेता हूँ, बाकी अच्छा चलता है। ठीक है। तो आपसे बात करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। और वो ऐसे है ना भाई साहब, जिंदगी जीना है तो कुछ आत्मा अपना हिम्मत हारनी चाहिए। हाँ जी। आगे बढ़ो जाए, उसमें एक बार गलती हो जाता है, दूसरी बार सही बात अच्छा है। हो जाएगा। ओके। हमने तो जिंदगी में बहुत धक्के खाए हैं। यस। लेकिन लोगों को कमा के बहुत खाए हैं लोग। अपने तो वहीं का वहीं रह गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अंकल जी। सोच रहे भाई, भगवान दिख रहा है, एक दिन ऊपर जरूर देगा। कोई दिक्कत नहीं अंकल जी। अभी आपके जो बच्चे हैं ना, उनके लिए मतलब आप अच्छी उनको सलाह दे के जाओ, सीख दे के जाओ। उनको शिक्षा मैं अच्छा देता हूँ भाई, आने वाले टाइम बुरा कैसे अच्छा है क्या है वो तो वो देखेंगे, लेकिन अपने जो कठिन करना है उनको कुछ बनाना सोच रहा हूँ। अब ये कमा रहा हूँ उनके लिए हो जाएगा, अपना क्या लेके जाना है। कोई बात नहीं, हम तो कहते हैं आप लंबी उम्र जिए, स्वस्थ रहें, ठीक है, इसी तरह काम करते रहें। काम से आपको संतुष्टि तो मिलती होगी? संतुष्टि मिलती है, रात को चैन की नींद सोते हैं आराम से, किसी की वो टेंशन नहीं होती है। बहुत बढ़िया अंकल जी, एक बार गले मिल लीजिए। अरे नहीं जी, आप हमेशा अपने साथ ही रहोगे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है भाई, हम जल्दी जाएंगे आप। अरे अंकल जी, नहीं नहीं, आप हमसे भी लंबा जियोगे, टेंशन मत लो, ठीक है। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मैं सोचता हूँ कि यार कोई आदमी 50 साल 60 साल ऐसे फिजिकल वर्क जो करता है,
और पढ़ाई जो नहीं कर पाता ना मेरे को उसके लिए बड़ा दुख होता है। अब हमारे को पता चल रहा था भाई उस टाइम पढ़े नहीं लिखे नहीं कुछ करे वो पढ़ाते तो शौक भी आ जाता हाँ है ना। अगर पढ़ लिखे माँ बाप तो कह रहे पढ़ लो बाद में पता चलेगा, अब हमारे को पता चल रहा है पढ़ाई क्या चीज़ है, है? अब दूसरे को देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है। हाँ जी है चलो और यहाँ पे आप रोटी सब्जी वगैरह बना रहे हो। हाँ जी। क्या थाली का क्या रेट है एक बार दर्शकों को बता दे हमारे। दर्शकों को मैं सिर्फ 50 रुपया थाली लेता हूँ। अच्छा जी। दो परोठे मोटे है तो 40 रुपया की लेता हूँ। अच्छा जी। खाना 50 रुपया थाली है। ओके। खाने में कौन कितनी सब्जियाँ रहती हैं सर। खाने में 3 सब्जी रहती है। 3 सब्जी देते हैं। हाँ जी। ओके। एक सब्जी हो गई, एक दाल हो गई, एक कढ़ी हो गई, एक चटनी हो गई। तो ये बन रही है गाँव वाली लस्सी वाली कढ़ी और अंकल जी कह रहे हैं इसको ऐसे ही बिना फ्राई किए हुए अगर आप खा लोगे तो एकदम से जन्नत के नज़ारे आ जाएंगे। सही कह रहा हूँ अंकल जी। बिल्कुल। इसमें क्या कुछ है अभी। इसमें सिर्फ नमक मिर्च वगैरह है। नमक। अच्छा। और हल्दी है। ओके। बाकी कुछ नहीं है इसमें। नमक और हल्दी है। हाँ जी। ये टेस्ट करूँगा मैं अभी है ना, इसी में नज़ारे आ जाएंगे हैं। क्या बात है। तो चलिए अंकल जी अब आपकी कड़ी टेस्ट कर लेते हैं। गौरव जी। ओके। सो गाइस लेट्स रिव्यू राजू दा ढाबा। जहाँ पर हम आए हैं जिंदल वाला जो पुल है उससे पहले ही आता है, आधा 500 मीटर की पहले आता है दूरी पे, ठीक है। तो इनकी बिल्कुल घर जैसी कड़ी है, जैसे गांव की लस्सी की कड़ी होती है ना बिल्कुल वैसी कड़ी है। अब हम नज़ारे देखते हैं। मैंने पहले ही देखते ही बोल दिया अंकल जी ये गाँव वाली लस्सी वाली कड़ी लग रही है और अंकल ने बताया कि सच में ये गाँव की लस्सी वाली कड़ी है। तो ये बिल्कुल भी मसाले नहीं है, सिर्फ नमक और हल्दी है इसमें। और आह क्या खुशबू आ रही है यार। तो अभी टेस्ट करके बताते हैं आपको। भाई सच में ये वैसी कड़ी है कि रोटी मत खाओ और कड़ी कड़ी पीते रहो, स्वस्थ रहो। इसके साथ तो बस चावल हो, 2-3 प्लेट चावल और ऐसे ऐसे 8 कटोरे 8 से 10 कटोरे मैं कढ़ी के पी जाऊंगा। बहुत आहा नज़ारेदार टेस्ट है। तो मैं तो कहूंगा एक बार यहाँ पर आके राजू दा ढाबा यहाँ पर कढ़ी इनकी टेस्ट करें। और बाकी सब्जियाँ भी बनाते हैं, थाली भी बनाते हैं, परांठे भी बनाते हैं, लेकिन हम आए हैं अलग टाइम पे जहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो चुका है। यू नो ये शाम का टाइम है, अभी डिनर की प्रेपरेशन चल रही है। तो इसका एड्रेस मैं समझा दूंगा, नंबर भी दे दूंगा। जिंदल वाला जो पुल है उससे पहले ही आता है राइट साइड पे। अंकल जी कोई लैंडमार्क है। पानी की टंकी है। पानी की टंकी। पानी की टंकी किस साइड है। अच्छा ये वाली है, जिंदल वाले पुल से पहले पानी की टंकी जो आएगी। ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर भी डाल दूंगा आपका और प्रॉपर एड्रेस। ओके। ठीक है जी। इधर आ जाइए एक बार, टाइमिंग और बता दीजिए। आ जाइए आ जाइए। तो ये अपने अंकल जी हैं। अंकल जी टाइमिंग बता दो दर्शकों को एक बार। सुबह छः बजे से लेके रात को 10 बजे तक। सुबह 6 से लेके 10 बजे तक बड़ी मेहनत करते हैं और मैं अपने दर्शकों से यही कहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि इनकी थोड़ी सी हेल्प हो सके। और लाइक करना, पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।